हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। तो आज आपका पेपर था मैथमेटिक का, क्लास ट्वेल्थ का जो है मैथमेटिक, जिन बच्चों ने लिया था उनका आज मैथ का पेपर था। तो सबसे पहले तो आपको ये पूछना चाहता हूं कि कैसा रहा आपका पेपर। आशा करता हूं कि सभी लोगों का पेपर अच्छा रहा होगा, लेकिन आज मैं आपको इन वीडियो में बताना चाहता हूं कि जो पेपर आए थे उनका जो आंसर की है वो क्या है, यानी कौन से क्वेश्चन का सही आंसर क्या है वो मैं आपको देने वाला हूँ। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है कि आपका आंसर सही है या नहीं है, तो आप मेरे इस वीडियो में जो मैं आंसर देने वाला हूँ उस आंसर से आप अपने आंसर मैच करिए। आशा करता हूँ कि आपके सभी आंसर सही जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आपको ज़रूर मिलाना चाहिए इन मेरे इस वीडियो से कि आपका आंसर और मेरे आंसर जो एक टीचर के आंसर है वो मैच कर रहे कि नहीं कर रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले मैं इस वीडियो में आपको सेट नंबर 1 का जो आंसर किए वो दूंगा, फिर मेरे अगले वीडियो में आपको सेट नंबर 2 के आंसर की दूंगा, और थर्ड वीडियो में मैं आपको सेट 3 के आंसर की दूंगा। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं सेट 2 की। चलिए तो ये है सेट नंबर 2, 65/4/2। इसी टाइप से ये भी हो सकता है 64/1/2, कोई सा भी ऐसा सेट नंबर हो सकता है, लेकिन इसके अंदर के जो क्वेश्चन है वो सेम ही रहेंगे। तो हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर जो है वो डी, इसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन 3 का जो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन ए, क्वेश्चन फोर का जो करेक्ट ऑप्शन क्या है वो है ए, यानी कि आई। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो क्वेश्चन सब लगभग सेम ही रहते हैं, बस उसके जो ऑर्डर है उसको चेंज कर दिया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 47, यानी कि ए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है आंसर ऑप्शन सी, सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 8 है, 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, ये भी रिपीट हुआ है। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का ए इज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन के जो आंसर है वो देख लिए हैं कि हमारे जो 10 फर्स्ट 10 जो MCQs है उसके आंसर्स क्या है। अब हम नेक्स्ट 10 MCQs के आंसर पता करते हैं कि उसके आंसर क्या होंगे। 11 क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। इस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, 12 का जो डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का जो ए ऑप्शन है यानी 0 वो इसका करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का जो डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन यानी ±√3 ये इसका करेक्ट आंसर है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का जो डी ऑप्शन है 4 और 2 वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सी आंसर है ये वाला, यानी ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन एक्सेप्ट द पॉइंट्स ऑफ द लाइन 3x + 5/7, तो इस तरह से ये वाला जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैव देयर इनवर्स ऑफ ओवर देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स और द इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट द सम, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है कि इसका असर्शन तो फॉल्स है लेकिन रीजन करेक्ट है, इट मीन्स डी ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। ठीक है, इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे, तो इसमें इसका असर्शन है वो भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है। इसका मतलब ये है कि इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ये क्वेश्चन नंबर 20 के लिए है। ठीक, तो इस तरह से आपने सेट 2 के सारे आंसर पता कर लिए कि आपके आंसर क्या, मतलब क्वेश्चन जो आए थे उसके आंसर क्या है। तो आपने अपना पेपर रख के आप मिला लिया होगा कि आपके जो फर्स्ट 20 क्वेश्चन में कितने आपके नंबर आने वाले हैं, ये आपको पता चल गया होगा। मान लीजिए आपका सेट 2 नहीं है, सेट 3 है, तो मेरा अगला वीडियो देखिए, उसमें सेट 3 के बारे में सारे क्वेश्चन के आंसर देने वाला हूँ। तो चलिए हम चलते हैं हमारे सेट 3 पे,